हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट पनीर के परांठे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगा बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम पनीर के परांठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, तो मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी। इससे ये मसाला पनीर परांठा हो जाएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम परांठा बेल लेते हैं। तो ऐसे मैंने एक लोई ली है, नॉर्मली जो हम घर पे आटा रखते हैं उसी को मैंने ऐसे ये तैयार करके पहले से ही रखा हुआ है और इस पे मैंने थोड़ा सूखा आटा भी लगा लिया है। थोड़ा सा और लगा लेते हैं। तो चलिए इसको बेलते हैं। तो बस अब हमें इसी में स्टफिंग करनी है। तो इस पे पहले थोड़ा सा घी लगा लेते हैं हम। हर तरफ आप अच्छे से घी को लगा दें। तो ऐसे आप इसको एक हाथ पे उठा लें और जितनी भी आपकी स्टफिंग इसमें आसानी से आ जाए। मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच पनीर की स्टफिंग कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने स्टफिंग कर ली है। अब हम इसको बंद कर देंगे ऊपर से। ऐसे हमने इसको ऊपर से बंद कर देना है और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। और अब हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा लेते हैं, इधर वाली साइड भी। तो चलिए इसको बेलते हैं। तो ये परांठा हमारा बेल चुका है। तो चलिए अब हम इसको सेकते हैं। तो चलिए अब हम परांठे को सेकते हैं। सेकने के लिए मैंने तवे को पहले से ही गर्म कर लिया है और इस पे थोड़ा सा घी भी लगा लिया है। उस तरफ धूप आ रही थी तो मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है तवे को। अब ये एक तरफ से सिक चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया सिका है ना। तो अब फिर से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये इस तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो गया है। तो ये अच्छे से सिके इसलिए हम इस पे घी लगा देंगे। मैं घी थोड़ा ज्यादा लगा रही हूं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप घी कम भी लगा सकते हैं। तो ऐसे देखिए कितना फूला फूला और कितना बढ़िया बना है हमारा ये पनीर का परांठा। तो ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ऐसे आप इसको दही के साथ और बटर के साथ सर्व कर सकते हो। तो आप भी ये पनीर परांठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।